रहीम जी, ये जो पानी है ये जंदर यानी चक्की आटा बनाने वाले जो चक्की होती है उसको चलाने के लिए ये यहाँ से ये पानी नीचे जा रहा है, और इस पानी के प्रेशर से जो नीचे चरखा लगा होता है, जो व्हील लगा होता है, वो घूमता है। मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ जी कि उससे पहले बता दूँ आपको कि हम लीपार नोकोट गाँव के मकाम पर हैं, जहाँ पर इस नाले के ऊपर ये चक्की बनी हुई है। हम ज़रा अंदर जा कर देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। ये आ गए जी हम यहाँ चक्की पे। वो जो मैंने पहले ऊपर आपको पानी दिखाया था, उस पानी का जो प्रेशर होता है वो नीचे यहाँ पे, इस पे एक वो टर्बाइन टाइप सी चीज़ लगी होती है जो घूमती है, और उसके घूमने से ही ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है ये घूमता है, और ये यहाँ पे आटा बन रहा है। आप देख सकते हैं ये मकई है, और ये मकई है जी, और आटा भी हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसा आटा जो है वो यहाँ पे बन रहा है। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आटा बन रहा है, और ये बिल्कुल इस पर कोई किसी किस्म की इलेक्ट्रिक मोटर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बिल्कुल कुदरती निज़ाम है, कुदरती माहौल है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दाने रखे होते हैं जी, फिर ये यहाँ से नीचे गिरते हैं और ये चक्की चलती है इससे। ये जी वो नाला जिससे वो पानी लिया गया है, हम थोड़ा सा मज़ीद चावलों वाली जगह पर भी आपको लेके जाएंगे, और ये चाचू है हमारे पास, इनसे हम आटा भी लेंगे वापसी पे। बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरा पानी है यहाँ पे। अगर इस इलाके में ट्राउट फिश फार्मिंग की जाए तो मेरे ख़्याल में वो यहाँ पे फिजिबल हो सकती है। किसी से पूछते हैं, शायद यहाँ पे काम हो भी रहा हो, तो फिशरीज़ डिपार्टमेंट को मेरे ख़्याल में यहाँ पे इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी है, पानी भी क्लियर है, और पूरा साल यहाँ पे पानी मौजूद रहता है। मुझे काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है इस जगह पे चलने के लिए, कहीं पानी में फिसल के बंदा ना गिर जाए। हाँ जी, ये जो पानी है ये जैसे पानी के ऊपर आटा जो है वो पीसा जा रहा था, तो यहीं पे हम आपको दिखाएंगे कि चावलों को साफ़ करने के लिए भी यहाँ पे जो बिल्कुल पुरानी तर्ज पे एक निज़ाम हुआ करता था, जिसे चाहे पेको बोलते थे या पेको कुछ इस तरह का इसका नाम था। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं जी किस तरह से ये मशीन जो है वो, ये सारी की सारी नेचुरल चीज़ों के ऊपर बनी हुई मशीन है। ये आप सामने देख रहे हैं इस तरह के ऊपर पानी प्रेशर से पड़ रहा है, जो इस लकड़ी को और इसको घुमा रहा है, और दूसरी तरफ इसके साथ लगी हुई ये लकड़ी जो है वो आगे इधर चावल पीस रही है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पर ये लीपा का मशहूर चावल है जिसे हम ब्राउन चावल कहते हैं, वो यहाँ पे साफ़ किया जा रहा है, और एहतियात के साथ मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये थोड़े से चावल भी दिखा लूँ। हाँ जी, ये वो चावल हैं लीपा के जो स्पेशल हैं यहाँ पे ब्राउन चावल, और ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे माहौल है जी, बिल्कुल कुदरती माहौल में ये चीज़ें चलते हुए, कुदरती जो ट्रेनिंग थी, जो एक निज़ाम था जो कुदरती माहौल पर बनाया गया था, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ जी, ये प्रेशर के साथ मैं तकरीबन गिर चुका था, लेकिन बचत हो गई, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी है जी जो बहुत प्रेशर के साथ यहाँ से नीचे जा रहा है, और यहाँ पे ये पड़ रहा है इसके ऊपर। आप अगर लीपा में आते हैं तो मेरे ख्याल में अगर आप, आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त जगह है कि जहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे ये कुदरती माहौल है, तमाम चीज़ें जो है वो अब इधर बिल्कुल कुदरती माहौल में। और ये दूसरा यहाँ पे है जी पेको, जो अभी तो बंद पड़ा है, इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि जैसे बिल्कुल जो है वो हीरे की खिलें होती हैं। ये देखें जी कितने खूबसूरत हैं ये, और ये अभी बंद पड़ा है, और चावलों के सीज़न में शायद इसको भी चलाया जाता है। तो ये दो जो हैं वो इस नाले के ऊपर, इस पानी के ऊपर बनाए हुए हैं यहाँ पर। शायद कि कहीं और बैग थोड़ा सा हम पीछे जाएँ तो और भी मौजूद हो, क्योंकि काफ़ी सारे चलने के बाद मेरी सांस बहुत फूल चुकी है। ये देखें जी यहाँ पे, ये वो पाउडर है, बूरा है, जो चावलों की सफाई के दौरान यहाँ पे बनता है, और इसको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये मेरे सब दोस्त हैं इस साइड पे, ये हमारे गाइड हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए, ये आबद साहब हैं, चौधरी जहांगीर साहब, और हम सारे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सामने भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत स्पॉट है यहाँ पे, और यकीनन जो है वादी लीपा घूमने के लिए एक बेहतरीन प्लेस है,
क्योंकि हमें पहले बताया गया जब हम यहाँ पे आ गए तो दोस्तों की तरफ से बताया गया कि आप अगर यहाँ पे गर्मियों में आते तो ये जगह आपके लिए ज़्यादा जो है वो खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन चूँकि अब हम इसी मौसम में आ गए, अनप्लान ट्रिप पे आए, तो यकीनन हमने फिर भी बहुत इंजॉय किया। शायद कि गर्मियों में हम आएँ तो मज़ीद इससे ज़्यादा करें, और बिल्कुल यहाँ पे आप को चांस मिले तो ज़रूर आएँ, चूँकि अभी भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा खूबसूरती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मियों में यहाँ पे जो मनाजर हैं वो कैसे हो सकते हैं। वो पार सामने एक छोटा सा पुल भी है जो शायद कोई पुराने तर्ज तमीर पे लकड़ी पे इस तरह से बनाया गया है, और इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट स्पॉट के ऊपर। आपको मेरी चीज़ दिखानी हुई तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी, अब हम यहाँ से निकलेंगे। मुझे हमेशा से इसको, ये जो चीज़ आपके सामने चल रही है पैको, इसको देखने का बड़ा शौक था, और आज हमने अपना ये शौक़ पूरा कर लिया है जी। देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार दिलफरेब नज़ारा भी है, चावल भी बन रहे हैं, और सारा कुछ यहाँ पे कितना खूबसूरत है। यकीनन यहाँ पे आना चाहिए। ये जी हम इसके करीब आ गए। ये पुल नीचे इसके जो है वो दरख्तों के तने लगाए गए हैं, और ऊपर इस पे लोहा लगा हुआ है। अब चूँकि हम वापस जो है वो जंदर पे मुड़ के आ गए, यहाँ से हमने लेना है आटा, और चूँकि मुझे मकई का आटा खुद भी पसंद है, और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस के तहत यहाँ पे आटा बन रहा है, तो फिर चाचू आ रहे हैं तो मैं उनसे लूँगा अभी आटा। चलें जी, हम आ गए हैं यहाँ पे। ये चाचू हैं हमारे साथ, इनसे हम पूछेंगे जंदर के बारे में कि ये कितना पुराना जंदर है और यहाँ पे मतलब घंटे में इससे कितनी पिसाई होती है। ये जो जंदर है ये तो हमारे जो इलाके शुरू से यही काम है, ये इधर की मक्की जो तैयार आटा तैयार होता है इसी में होता है, इधर मशीन अभी तक कभी नहीं लगी इसकी। अच्छा, तो ये जो आप लोग यहाँ पे आटा और चावल की फसल होती है, तो क्या ये लिपा वैली के लिए ये सारी फसल पूरी हो जाती है या बाहर भी आप सेल करते हैं? नहीं, पूरी होती है, बाहर से सेल होती है सब। ये मतलब आप यहाँ से बाहर बेचते भी हैं और वापसी पे बाहर से यहाँ से लेते भी हैं? ये हम सिर्फ मैं ही ये काम करता हूँ, थोड़ा सा बेच गया, ये थोड़ा सा महंगा आइटम है वो सस्ता है, वो गुजारा करता हूँ ये। तो चाचू, क्या जंदर पे सिर्फ मकई पीसी जाती है या गंदम वगैरह भी पीसी जाती है? मक्की पीसी जाती है। अच्छा, सूजी पे सूजी जो मैदा भी बनता है इसमें, सूजी और जो दाल चना की दाल है वो भी इसमें पीसी जाती है, बेसन बनता है। ज़बरदस्त हो गया जी, इस चंदर पे बेसन, सूजी, मैदा और ये सारी चीज़ें भी ये चाचू बता रहे हैं कि यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो थोड़ा सा मुझे बता दें, सूजी और मैदा बनाने के लिए इसमें क्या, उसको मज़ीद कैसे जो है वो आप प्रोसेसिंग करते हैं उसकी? इसी तरह जो इसके ये शुरू है ना। अच्छा, इसमें ऊपर डाला, आगे से वो मैदा भी निकलता है, सूजी मैदा डालते हैं, वो सूजी मैदा वो कुछ छान के उसको करते हैं या छान के? नहीं, ऐसे साफ होती है ना चना। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त हो गया। और ये कितना पुराना जंदर है, आपके वाले साहब के पास था या कितना ये पुराना है? हमारे दादे के पास था, वो उधर था, इधर सेफ्टी उधर ने सलाब ने, ये सलाब है ना वो चूदा हो गया, ये दूसरी जगह पर लगाया। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। ये था जंदर, और ये चाचू से हमने बातचीत भी की है।